नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में राज्य सरकार के जो पेंशनर्स है और जो फैमिली पेंशनर्स है, तो उनके बढ़ोतरी के संबंध में यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत इन पेंशनरों की जो पेंशन है उसे 3,000 रुपए मासिक तक के लाभ की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो पेंशन के संबंधित जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये जो बढ़ी हुई पेंशन है इसको पाने के लिए आपको क्या करना है, तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको इसी तरह से टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो है, तो उनकी बढ़ोतरी के संबंध में ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि पेंशनर के लिए सौगात लेकर आया नया साल सरकार के इस फैसले से हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर दोस्तों, इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि नए साल पेंशनधारियों के लिए सौगात लेकर आया है। वर्ष 2016 से सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के 80,000 पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को पेंशन में जल्द ही इजाफा होगा। समान पद समान पेंशन की कवायद के तहत सरकार ने ऐसे सभी पेंशनरों की पेंशन में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पेंशनरों को 3,000 रुपए मासिक तक के लाभ की उम्मीद है। दरअसल 2016 से पहले तक चौथा, पांचवा और छठा वेतनमान पाकर सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के कर्मियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें पेंशन में उतना वित्तीय लाभ नहीं हो पाया जितना सातवां वेतनमान लागू होने के बाद उनके समान पद पर तैनात कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिला है। तो यहाँ पर वो आगे बताया गया है कि समान पद के बावजूद पेंशन में असमानता को लेकर पेंशनरों में काफी असंतोष है। यह देशव्यापी मामला था। पेंशनर से जुड़े संगठनों की ओर से समय समय पर एक पद एक पेंशन का मामला सरकारों के स्तर पर उठाया जाता रहा था। यह मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा और केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस विसंगति को दूर करने का फैसला लिया है। चूंकि 1 जनवरी 2016 को सातवां वेतनमान लागू हो गया, लिहाजा इस फैसले का लाभ करीब 80,000 उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2015 तक सेवानिवृत्त हुए। इसके तहत पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की पेंशन की राशि की गणना नए फॉर्मूले से की जाएगी। वित्तीय विभाग के सूत्रों के माने तो पेंशन में संशोधन और नई गणना के बाद चौथे, पांचवे और छठे वेतनमान पाकर सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों की पेंशन में करीब 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। गणना के लिए कोषागार पेंशन लेखा एवं हकदारी निदेशालय ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके माध्यम से पेंशनरों के संबंध में मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर स्वतः गणना हो जाएगी और उनकी नई पेंशन का निर्धारण हो जाएगा। तो ऐसे जो पेंशनर्स है, तो उनको लाभ लेने के लिए कुछ काम यहाँ पर करने होंगे, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। पेंशन में संशोधन कराने के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक प्रारूप भरकर उस विभागीय कार्यालय में जमा करना होगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रारूप को कार्यालय अध्यक्ष अपने स्तर से सभी सूचनाओं को अंकित कराकर उन कोषागारों के कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को भेजेंगे जहाँ से पेंशन ले रहे हैं। यह सूचना उन्हें सिर्फ एक बार उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद की प्रक्रिया का सारे कार्य कोषागार करेंगे। यहाँ पर आगे इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि विभाग अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष की जवाबदेही होगी। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि तय प्रारूप पर पेंशनरों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग अध्यक्षों और कार्याध्यक्ष की होगी। वित्त विभाग ने उन्हें 31 मार्च 2019 से पहले सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है। ये सूचनाएं वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर उपलब्ध करा सकते हैं। 1 जनवरी 2016 से पूर्व की पेंशनरों की पेंशन का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। विभागीय स्तर पर पेंशनरों के संबंध में सूचना मिलने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशन की गणना हो जाएगी। इससे करीब 80,000 पेंशनरों को लाभ की उम्मीद है। तो ये जो 80,000 से करीब जो राज्य सरकार के कर्मचारी है जो पेंशन और फैमिली पेंशन का लाभ ले रहे, तो उनकी जो
पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसके तहत इन पेंशनरों को 3,000 रुपए मासिक तक का लाभ होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। आगे भी ऐसे इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको मेरी वीडियो के जरिए अगले आने वाले दिनों में अपडेट करवाता रहूंगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको इसी तरह से टाइम पे देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।